जय जिनेन्द्र, मैं ऋतु आनंद ओसवाल आप सभी का चेयर मास्टर शेफ में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों के सीजन में हमें ठंडा और रिफ्रेशिंग पीने का मन करता है और बाजार से लाए गए कोल्ड ड्रिंक हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं और अवक्षय भी होते हैं। इसलिए मैं लेकर आई हूँ कच्चे आम का पना, जो कि सभी भक्षित चीज़ों से बना है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। सो लेट्स, उसमें मैंने लिए हैं 3 कच्चे आम, 150 ग्राम दूध, 150 ग्राम दूध, 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच सूखा पुदीना का पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो मैंने इन 3 कच्चे आम को धो लिया है और मैं इन्हें कुकर में डाल दूँ। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था। और अब मैं गैस चालू, हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला था और 3 से 4 सीटी तक इसे उबालने के लिए रख दिया। हमारे कच्चे आम बॉईल हो चुके थे और मैंने उनका पल्प निकाल लिया है। अब मैं उसमें इलायची पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और सूखे पुदीना का पाउडर इसे बहुत ही रिफ्रेशिंग बनाएगा। और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आप जितना आपका पल्प है आपको उतना ही भून लेना है। मैंने इसमें सिर्फ ऐड कर दिया है, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमारा कॉन्सेंट्रेट आम बनना रेडी है। अब मैं इसे एक बॉल में छान लूँगी। हम 2 से 3 चम्मच आम पना ग्लास में डालेंगे। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। और हमारा रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक रेडी है। ड्रिंक के साथ कुछ स्नैक्स हो जाए तो चलो हम बनाते हैं हेल्दी और सात्विक टेस्टी राइस अप्पे कचौरी। तो उसके लिए हमने लिए हैं 3, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पर है। और मैंने लिए हैं 2 कच्चे उबले हुए केले, मैं उसे स्मैश कर लूँगी। हमने इसे अच्छे से स्मैश कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स। सूखा पुदीना का पाउडर जीरा पाउडर बारीक कटी हुई मिर्ची गरम मसाला
चिली पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर जो आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी स्टफिंग रेडी है, तो मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। अब हमारे बॉल्स रेडी है तो हम इसका डो बना लेंगे। अब मैंने पैन गैस पर रखा है और मैं उसमें एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। मैंने उसे गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो चुका है तो मैं उसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अब मैं उसमें 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। और गैस लो कर रही हूँ और मैं उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। याद रखना कि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है तो आप उसके हिसाब से रखें। और मैं गैस फास्ट कर रही हूँ। पौने में बाइंग और छुपा है तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके चावल का आटा ऐड करेंगे। अब हमारा डो रेडी है तो मैं उसे 1 मिनट सेट होने के लिए रख दूंगी और मैंने गैस बंद कर दिया है। हमने डो पैन से निकाल लिया है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे एक्सेल कर लेंगे। मैं अपने हाथों को थोड़ा तेल लगाऊंगी और इसके तुम छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। मैं इसे प्रेस करूंगी। उसे हमें मोटा रखोगे तो उसे सीखने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हमें उसे पतला करना है। मैं हमें छोटा सा स्टफिंग डाल देती हूँ जो हमने बनाया था। हमें ऐसे गोले बनाने हैं। अब हमारे अप्पे कचौरी रेडी है तो मैंने अप्पे पैन को गैस पर रख दिया है। मैं उसे उसके मोल्ड्स को ग्रीस कर रही हूँ और इससे हमने अप्पे पैन को ग्रीस कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रखते हैं। तो अब ये थोड़ा गर्म हो चुका है तो मैं अब उसमें अपने कचौरी में इसे 4 मिनट तक ढककर मीडियम लो पर मीडियम गैस पर रख रही हूँ। और हम इसे थोड़ा सा गोल कर इसे घुमाएंगे ताकि ये चारों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने इसे 2 से 3 बार घुमा लिया था ताकि ये सभी तरह से ब्राउन हो सके। ये देखिए, अब हम एक प्लेट में डाल देंगे। हम
हमारे अप्पे कचौरी और ड्रिंक रेडी है। मैं अप्पे कचौरी को जैन घर पे बनाए हुए जैन टमाटो सॉस के साथ और घर पे बनाए हुए इमली चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी है। आप मेरी रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।